वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। ओम श्री गणेशाय नमः, एक दंताय नमः, विघ्नेश्वराय नमः। केशानुपत्वापौन्नन्दवर्चसे ॐ ओषधे मैनौहिंसीः ॐ एनावपःसविताक्षुरेण सोमस्याज्ञो वरुणस्य विद्वान् तेन त आयुषे वपामि शुश्लोक्याय स्वस्तये ॐ ॐ युवं वस्त्राणि पीवसावसाथेयोरच्छिद्रामन्तोः सर्गाः अवापि मुन्दतानि विश्वरतेन मित्रा वरुणा सचेथे ॐ ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत्सजम्बुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः ॐ अग्नये स्वाहा ॐ अग्नये समिदमहार्षं बृहते जातवेदसे तया त्वमग्ने वर्धस्व समिधा ब्रह्मणा वयो स्वाहा ॐ अग्नय इदन्न मम। नन्नी आओ बैठो। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम मम हृदये हृदयन्ते ददामि। मेरे चित्त के अनुसार चलो, मम चित्त मनो मेरी वाचा का अनुकरण करो। मम वाचमेक व्रतो जुषस्वा ओम यन्दुरिक्तात् परिबाधमानात् चर्मवरोतं पुनतीन आगात् प्राणापानाभ्यां बलमाभरन्ति प्रिया देवानां सुभगामे खलेयाम् तदान्तं दमयित्वा मां मार्गे संस्थापयन् स्वयं दण्डः करस्थितो यस्मात् तस्माद् रक्षयतो भयम् भवति भिक्षां देहि भवति भिक्षां देहि भवान् भिक्षां ददातु भवान् भिक्षां ददातु। प्रणाम उपाध्याय। अरे रामेश्वरा, आप भाई, आजकल उड़ू पंडित ने नए विद्यार्थियों को लेना बंद कर दिया है। उनका मत है कि आजकल लोगों में आस्था भी नहीं है और फिर इस शिक्षा से उनको नौकरियां भी नहीं मिलती। कुछ करना होगा उपाध्याय। तुम तो जानते हो कि 5 संतानों की मृत्यु के बाद उमा माहेश्वर के सामने मैंने क्या प्रतिज्ञा की थी। कुछ प्रयास करो, मेरा आग्रह है। अच्छा, आप चिंता मत करो रामेश्वर, मैं आज ही रात उनसे बात करता हूं। वे हठी ब्राह्मण हैं लेकिन प्रायः मेरी बात टालते नहीं। प्रयास करो मित्र, जैसे भी हो, चिंता मत करो। नन्नी, मां मैं आ गया। कैसा पागल है रे तू, धोती भी बांधना नहीं आता। वहां कौन बांधेगा धोती? अपने आप धोती बांधना, अपने वस्त्र स्वयं धो लेना। चटाई कौन कौन उठाएगा? माँ, मैं वहां अकेला सोऊंगा। हाँ बेटा, रो मत माँ, रो मत, रो मत माँ, रो मत, रो मत माँ, रो मत। सरस्वती, शीघ्र करो भाई, बेला बीती जा रही है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती शीघ्र करो भाई। आओ बेटा चलो। मैं 4 दिन गुरुकुल में रहूंगा। सरस्वती अपना ध्यान रखना। अच्छा बर्तने। नमस्ते शारदा देवी। नमस्ते शारदा देवी। काश्मीर पूर्ववासिनी त्राहि मां प्रार्थये नित्यम्। विद्यां बुद्धिं च देहि मे। धरती माता का मंत्र सुनो। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शं क्षमस्व मे। नागदेव का मंत्र इस प्रकार है। अनंतं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शंखपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं कालियं तथा। प्रातःकाल का मंत्र स्मरण है ना। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले मयूरेशा प्रभाते कर दर्शनं। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रु मध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मा प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। आचार्य नाम पूछें तो गोत्र सही सुनाओगे ना। हाँ पापा। अच्छा महामृत्युंजय का मंत्र तो तुम जानते हो। जी अप्पा। इधर इधर। दिशा तो मुझे मालूम नहीं है लेकिन मुझे शेषगिरी आचार्य उडुप पंडित के घर जाना। इधर इधर। वो सामान रखना मैं लेके आना उधर।
गंगाद्याः सरितस्तथा वासुदेवादयो देवो वसन्ती तुलसीवने यन्मूले सर्वतीर्थानि। कोई है? कोई है? न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःखोद्दाताप्यमानं प्रभो पाह्यापन्नमामीषु शम्भो नमामीषु शारनिर्वाणरूपम्। यही घर है? हाँ, इधर से जाना, मैं पीछे से आना। सामान मैं लेके आना। अच्छा। अजम शाश्वतम कारणम कारणानाम शिवम केवलम भासकम भासकानाम तुरीयम तमः पारमाद्यंतहीनम प्रपद्ये परम पावनम द्वैत्यहीनम। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानंद। आचार्य जी, पंडित जी पूजा में बैठिए। नमस्ते नमस्ते श्रुते ज्ञान गम्य। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ओम नमः शिवाय। प्रणाम आचार्य। अरे मास्टर, कल की तरह कोई नई जिज्ञासा लेकर आए हैं क्या? कोई रोचक प्रसंग? नया कुछ नहीं, वही सर्प रज्जू वाला दृष्टांत। सर्प और रज्जू। आसन ग्रहण करें। विराजिए। सर्प और रज्जू का प्रसंग प्राचीन भी है और अर्वाचीन भी। ज्ञानेंद्रियों का भ्रम, माया का खेल। आंखों ने जिस रस्सी को सांप माना, बुद्धि ने उसी सांप से बचने के लिए समस्त शरीर को सचेत किया, यहां तक कि दोनों हाथ बचाव के लिए पास पड़े दंड अथवा शस्त्र की ओर लपके, अर्थात एक प्रकार की निरर्थक क्रिया, और यही है अज्ञान, माया और भ्रम। आचार्य जी प्रणाम। बड़ी देर से आए हैं ये लोग। पंडित जी, मैं फिर कभी आऊंगा। प्रणाम। कहिए जी। मैं कुडुमल्लिगे का रामेश्वर भट्ट, गंगाधर भट्ट का पुत्र। यहां किस प्रयोजन से आए हैं? जी, ये मेरा पुत्र है नारायण भट्ट, मैं इसे यहां आपके पास वेद पाठी बनाना चाहता हूं। नहीं नहीं, यहां किसी और विद्यार्थी के लिए स्थान नहीं है, आप इसे कहीं और ले जाएं। किंतु मैं बड़ी आशा लेकर आया था। वो ठीक है, किंतु मैं इसे नहीं ले सकता। मेरे पास दो विद्यार्थी हैं और वो पर्याप्त हैं। एक अनाथ है और दूसरे का पिता निर्धन है। मुझे दो शब्द कहने की अनुमति दीजिए आचार्यवर। कहिए। आचार्य, मेरी 5 संतानें हुई, एक भी जीवित नहीं रही। तब मैंने संकल्प किया कि यदि मुझे पुत्र प्राप्ति हुई तो मैं उस पुत्र को वेद पाठी बनाऊंगा, प्रभु कार्य के लिए समर्पित कर दूंगा।
और इसीलिए आज मैं उपनयन के तुरंत पश्चात इस पुत्र को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। इसे अस्वीकार मत कीजिए। यहां आओ बालक। जाओ पुत्र। तुम्हारा नाम क्या है? अंगिरस अम्बरीश यवनाश प्रयासीर प्रौढ़ान्वित अंगिरस गोत्रोत्पन्न नारायण भट्ट हम भो अभिवादये भो अभिवादये भो अभिवादये। नारायण अति सुंदर नाम है। तुम्हें घर में किस नाम से पुकारते हैं? नन्नी। तुम्हारा बालक होनहार प्रतीत होता है भट्ट। तुम सचमुच इसे वेद पाठी बनाना चाहते हो? जी आचार्य। शास्त्री ये नया प्राणी कौन है? अरे होगा कोई, लेकिन लगता है किसी खाते पीते घर का है। मेरी एक बात मानोगे? आपकी आज्ञा शिरोधारी है। इसी समय बिना एक पल का विलंब किए तुरंत अपने घर की ओर प्रस्थान करो। किंतु मैंने तो सोचा था कि 4 दिन बालक के साथ रहूंगा। व्यर्थ समय नष्ट मत करो भट्ट। इस बालक की दीक्षा तो उसी समय प्रारंभ हो गई जब ये आकर मेरी गोद में बैठा था। जाओ। जी आचार्य। बालक के क्रंदन के स्वर तुम्हारे कानों में पड़ेंगे, किंतु तुम वापस नहीं लौटोगे। पापा, पापा मुझे छोड़िए, मत जाओ पापा, मत जाओ ना। मोह छोड़ो भट्ट। मत जाओ। बालक का कल्याण चाहते हो तो इसी समय चले जाओ। अप्पा नहीं, अप्पा यमुना। जी अप्पा। अप्पा मुझे छोड़ के मत जाओ अप्पा, अप्पा अप्पा। चल अप्पा मुझे छोड़ के मत जाओ। चलो अप्पा। अरे रोते नहीं है भैया, चलो मुझे छोड़ दो, मुझे अप्पा के पास जाना है। आ जाओ, रोते नहीं है भैया, आओ जाना है। आओ मैं तुम्हें गौशाला दिखाती हूँ। हमारे यहाँ कुआं है, बाड़ी है। अरे रोते नहीं है, आओ 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 आओ। अरे रोते नहीं है, ये देखो तुम्हारे सहपाठी और मित्र। ये है शास्त्री विश्वनाथ शास्त्री, और ये भट्ट गणेश भट्ट, और ये है अपना नन्नी नारायण भट्ट, अब तुम्हारे साथ ही रहेगा। अच्छा चलो गणेश, इसे कुएं पे ले जाओ। आओ नन्नी चले। रो नहीं, नहीं। छी, इतने बड़े होके रोते हो? उपाध्याय जी, मैं नारायण को ले आया हूं और गुरुकुल में छोड़ दिया है, आप ध्यान रखिएगा उसका। गुरुकुल का अर्थ है कठोर परिश्रम, अटूट अनुशासन, बाकी प्रभु की इच्छा। तुम्हारे गांव का नाम क्या है? कुरु मल्लिगे। कितनी दूर है यहाँ से? एक दिन और एक रात। कभी कुएं से पानी भरा है? नहीं। चलो भरो, आ डालो। ये घर नहीं है, यहाँ पे सब काम स्वयं करना पड़ता है। धीरे धीरे, हाँ खींचो खींचो, और गिरा दी ना कलसी, अब देखो क्या चंपी होती है। चुप्पे, सोने नहीं दे रहा है, कब से टाटा टाटा मचा रखी है। लोग कैसे बच्चों को गुरुकुल में भेज देते हैं। अरे क्या बात है नन्नी, रो क्यों रहा है? मुझे अम्मा के पास जाना है। अम्मा के पास जाना है, क्यों? अक्का तुम्हें अच्छी नहीं लगती? हाँ, ये क्या धोती बांधनी भी नहीं सीखी अभी तक? लाओ हम बांधे देते हैं, ऐसे 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 ऐसे, और ये ऐसे। आओ, आप क्यों रो रहे हो? ये दुष्ट तुम्हें तंग तो नहीं कर रहे हैं? क्या बात है, चलो मैं तुम्हें एक अच्छी जगह सुलाती हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, मुझे डर लगता है। नहीं भैया,
गुरुकुल में ब्रह्मचारी आचार्य के पास होते हैं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ अच्छा सा छोटा सा नन्नी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ। देखो जिद नहीं करती। नहीं मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अच्छे बच्चे रोते नहीं है। आओ मैं तुम्हें अप्पा के पास सुलाती हूँ, चलो। अब मेरे नन्नी को यहाँ कोई तंग नहीं करेगा, ठीक है? क्यों सोया नहीं अभी तक? डर गया था इसलिए आपके पास ले आई हूँ। अरे डर काहे का, महामृत्युंजय का जाप करो। यमुना जाओ तुम भी सो जाओ। जी इधर आओ। देखो मेरी एक बात ध्यान से सुनो, गुरुकुल की पहली शिक्षा यह है कि तुम स्वावलंबी बनो, अर्थात किसी दूसरे का सहारा लिए बिना अपना काम स्वयं करो। अपनी धोती स्वयं धो, अपनी चटाई स्वयं बिछाओ, अपनी पत्तल स्वयं उठाओ, यही ब्रह्मचारी का धर्म है, समझे? अब सो जाओ। नाम बंद कथमेशागत। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। जवापुष्प संकाशम काशपेयम महाद्वितिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम्। चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणाम। प्रणाम आचार्य। नहीं 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 नहीं, सुमंगली का इस तरह किसी के पैर छूना वर्जित है। वो तो स्वयं पूजनीय आदरणीय है, केवल पति के पैर छू सकती है। हाँ पैर ही छूने हो तो उड़ुप पंडित के छुए। कल्याण मस्त। कठोर सत्य बड़ा कटु होता है, क्यों श्रीकर? कल्याण मस्तु। तत्यतिष्ठत दशांगुलम। अत्यतिष्ठत, अत्यतिष्ठत दशांगुलम। अत्यतिष्ठत दशांगुलम। अत्यतिष्ठत दशांगुलम। अत्यतिष्ठत दशांगुलम। हाँ वत्स। ओम हिरण्यवर्णा हरणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जातवेदो मम आवह। 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 हाँ नन्नी, त्वमेव केवलं कर्तासि। त्वमेव केवलं कर्तासि। त्वमेव केवलं कर्तासि। त्वमेव केवलं धर्तासि। त्वमेव केवलं धर्तासि। त्वमेव केवलं हर्तासि। त्वमेव केवलं हर्तासि। त्वमेव त्वमेव केवलं त्वमेव केवलम कर्तासि। त्वमेव केवलम। नन्नी तुम्हारा ध्यान किधर है?
अपने पाठ की ओर ध्यान रखो। बोलो, त्वमेव केवलम कर्तासि। त्वमेव केवलम कर्तासि। हाँ वत्स। चल, मेरी पूजा में दोष डालता है, भाग। हाँ, सब मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं। यमुना, अरे ओ यमुना, चलना नहीं मंदिर, देर हो जाएगी। आई फिर मुझे दोष देगी। शिव शिवा शिव शिवा, जा जल्दी जा देख क्या। हनुमान की पूंछ। मुफक की खाके मुष्टंडे हो रहे हैं दोनों। शिव शिवा शिव शिवा। अरे यमुना सुना, राधा स्वामी की बहू की करनी ननद का सोना स्वाहा किया, कर्म कर्मा। अरे तू कौन रे नया ब्रह्मचारी, दो रात सोने नहीं दिया रोते रोते हैं? ऐसे क्या टुकुर टुकुर देखता है, कुछ तो बोल। सांप सूंघ गया क्या है, ऊपर से हंसता है। अरे कहाँ गया तू, क्या हुआ नन्नी, चल। अरे चलो, डरते क्यों हो, गोदावरी अम्मा है, पैर छुओ। अरे नन्नी, तू भी कुछ दान दक्षिणा अन वस्त्र लाया है क्या, कि सारा बोझ अपने गुरु पर डाल दोगे? ओहो अम्मा, आशीर्वाद भी दोगी या नहीं? मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, गणेश और शास्त्री मुफ्त की उड़ाते, सारा मुल्की गांव जानता है। अम्मा बहुत हो गया, कम से कम मंदिर जाते समय ऐसी बातें नहीं करते। लो क्या कहा मैंने, आयुष्मान भवा, चल। शिव शिवा शिव शिवा, चल नन्नी। शिव शिवा शिव शिवा शिव शिवा शिव शिवा शिव शिवा। भाई शास्त्री, नन्नी की आजकल बड़ी सेवा हो रही है। अच्छा, लगता है अक्का का बड़ा लाडला हो गया है, इसका कुछ करना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, मैं उसे पाठ पढ़ाता हूँ और तुम बीच में नहीं आना, समझे? अरे शास्त्री मुझे उतारो, मैं यहाँ से उतर। किसने तुमको गुरुकुल में भेज दिया, बिल्कुल पोंगा पंडित हो तुम, देख के संभालना। दूध पीने वाले मुन्ने, अब यही सब करना पड़ेगा यहाँ पे, चलो। हाँ चल रहा हूँ ना। तो मैं ये कह रहा था, तदावत अन्यान तेथ तिष्ठता। नहीं, आपका उच्चारण त्रुटिपूर्ण है, काव्यात्मक दृष्टि से अति सुंदर अति चमत्कार पूर्ण। यह श्लोक वास्तव में इस प्रकार है, तद धावत अन्यान तेथि तिष्ठत, अर्थात आत्मन एक स्थान पर स्थित है परंतु फिर भी भाग रहा है, और यही स्थिति इस समय आपकी है। आज पूर्णतः एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं मास्टर जी, क्या बात है, क्यों ना इस चर्चा को हम कल तक के लिए स्थगित करें। मेरी एक समस्या है, कल प्रातः काल नदी के उस पार जा रहा हूँ, स्कूल के छात्र कई दिनों से पिकनिक के लिए आग्रह कर रहे थे, इस विषय में मैं आपसे फिर मिलूंगा, अभी आज्ञा दें, प्रणाम। ठीक है, इस चर्चा को हम कल संध्या समय फिर करेंगे। बर्तन एक होगा बारह सब शराब कोड़ी बेड़ा, दारू नहीं, ये तो बीबी के ब्राह्मण हो गया है, जीने के लिए चावल का एक लोटा गंजी बस, इतना बस। ब्राह्मणों का झूठन खा के तू अपनी जात से भाग जाएगा? इल्ला, घूम के वापस लौट के इधर जाने का, किधर जाने का। ये नशा चने दे, बीड़ी दे। पिछले जन्म का ब्राह्मण रहा होगा, गलत जन्म लिया के ये जन्म ले ब्राह्मण ना कर बोलो। जाति और समाज को छोड़ो, क्या मालूम हमारा बाप कौन और इसका बाप कौन। कैसा बात करते रहे तुम लोग।
नन मगने इलेवा तेरे साथ वाले तेरे को पूछ रहे थे मिला दारू पीने को बोलता काहे क्यों नहीं पिया रहे मेरे को अच्छा नहीं लगता तेरे को कोगा पंडित बोलता दड्डम्मा सच बोलना मैं कौन मेरा अम्मा कौन अप्पा कौन तू मेरा बच्चा नन्न माता मैं तेरा अम्मा मैं तेरा अप्पा और नहीं पूछना मस्करी नहीं करना तमाशा मार बैठा तू मेरा अम्मा अप्पा दोनों का हिस्सा तेरे को क्या करना बीज का कुल नहीं देखना जमीन का जात नहीं देखना फल देखना फूल देखना बस दड्डम्मा मेरा अम्मा कैसा दिखता था अप्पा कैसा दिखता था सुंदर तेरे से सुंदर अब तेरे को लड़की देखना मांगता तेरा घर बसाने का मैं जाएगा तो तेरे को कौन देखेगा क्या नोटर है मैं तेरा तंगड़ी तोड़ देगा फिर किधर जाएगा लुच्चा, लुच्चा। दड्डम्मा तू मेरा अम्मा अप्पा कलिकाल यमुना घोर कलिकाल अब ये धरती फट जाएगी मैं कहती हूँ रसातल को चली जाएगी ऐसी बहू आज तक नहीं देखी सारा खाना स्वयं खा जाती है और बेचारी सास मुंह देखती रह जाती है कर्म कर्मा शिव शिवा प्रलय होने में अब ज्यादा देर नहीं है शिव शिवा शिव शिवा शिव शिवा शिव शिवा शिव यमुना आप यहाँ और क्या करता तुम आई नहीं कहाँ मैंने बोला था ना नदी के पार जा रहा हूँ वो तो अप्पा से कहा था ओह कितनी भोली हो तुम यमुना कब समझोगी मेरे मन की बात समझने की कोई आवश्यकता भी नहीं है शिव शिवा राम कृष्ण गोविंदा शिव शिवा शिव शिवा शिव शिवा राम कृष्ण गोविंदा अम्मा लड्डू ना
डटा माँ कैसा तू? अच्छा मांस लाया। कैसा मांस? गांव में जानवर आया, सब मांस उठा था, तू लाता मैं बनाती। नहीं मरे का मांस अच्छा नहीं, हम जानवर मरे का मांस खाने को। मैं तेरे लिए क्या लाया हूं? गुरु गड़े के घर में छोटा ब्राह्मण आया, वो दिया लिए खा। मैं नहीं तू मैं जाता। क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो दो बार जन्म लेता है, पहले अपने पिता के घर फिर अपने गुरु के यहाँ। पिता उसे शरीर देता है, गुरु आत्मा, इसीलिए शिष्य गुरु का आत्मज भी कहलाता है, समझे? क्या बात है कोगा? उठो कोगा, उठो, बोलो। गुरु गए, मेरा दोड़म्मा मर गए। तुम्हारी मौसी, जीवन मरण पर किसी का वश नहीं है कोगा, मन पर नियंत्रण रखो। स्वर्गम गच्छति पुण्यात्मा। गुरु गए, मेरा दोड़म्मा मेरे के लिए बहुत दुख उठाया, सदा दुख दुख सुख नोटिल्ला, अभी उसको स्वर्ग में सुख मिलना मांगता। आप दया कर गुरु गए। देखो, अंत्येष्टि करने का अधिकारी मैं नहीं हूं, यह कर्म करने वाला ब्राह्मण ढूंढना होगा तुम्हें, वह तुम्हें कहीं मिल जाएगा या नहीं यह मैं नहीं बता सकता। गुरु गए, बस इतना इच्छा, आप उसका कान में कुछ अच्छा बात बोलना, मंत्र उसके मुंह में गंगा जल तुलसी डालना, उसका अच्छा होगा। गणेश, तुलसी गंगा जल ले आना।
लो ये गंगा बेड़ा बेड़ा मैं गंगा जल छूना नहीं मैं शुद्ध रहा। तुम ठीक कहते हो कोगा, तुम अपने संस्कारों के दास हो, अपनी परंपराओं के बंदी, और मैं अपनी। आप बड़ा दोटवरु ब्राह्मणा विद्वाना, आप उसका मुंह में गंगा जल। शिवा 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 देवरेच्छा। आओ अरे ओ मंजुनाथा। प्रणाम बुआ। अरे रुको ना, मैं तुझसे बात करने आई थी। क्यों, क्या बात है बुआ? अरे मंजुनाथ, तेरे रहते धर्म रसातल में पहुंच गया है रे। तेरे अप्पा तर्क तीर्थ पांडुरंग शास्त्री की बात ही और थी। अब क्या बात हुई बुआ? कली काल और क्या, बड़े बड़े ब्राह्मण अब शूद्रों का अंतिम संस्कार करने लगे हैं। क्या क्या कह रही हो बुआ? किसने किया ये अनर्थ? कौन दे रहा है धर्म को चुनौती? किस पापी के हाथों हुआ ये दुष्कर्म? हन्यते हन्यमाने शरीरे ओम नमो नारायणाय। दोड़मा, अभी तुम सुखी हो ना? ऊपर स्वर्ग में गुरुगण दया किया, उनको हाथ जोड़ना, मेरे अम्मा को बोलना मैं अच्छा। अब अछूत और शूद्र अंत्येष्टि के अधिकार मांगेंगे। जन्म और विवाह के संस्कार कराने के लिए आग्रह करेंगे। मंदिरों और देवस्थानों में प्रवेश मांगेंगे। और इस सबका उत्तरदायित्व किसका? तुम्हारे गुरु आचार्य का। बंधु मंजुनाथ। नहीं नहीं श्रीकर, इस समय मैं तुम्हारा बंधु या मित्र नहीं हूं। यह धर्म युद्ध है, इसमें जो हमारे साथ है वो मित्र, अन्यथा शत्रु। और इस संघर्ष में तुम क्या हो ये तुम्हें सिद्ध करना होगा। तिल का ताड़ न बना मंजुनाथ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, विश्वास करो। कुछ नहीं हुआ? सती देवदासी बाल विवाह पर कानून बनने से पहले तुम जैसे लोगों ने यही कहा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ, विश्वास करो। किंतु अंत में कानून बन ही गया ना। तुम्हारे आचार्य उड़ुप गणपति मुनि के भक्त हैं, तुम्हारा अंग्रेजों के साथ उठना बैठना है, इसलिए तुम्हारे आश्वासन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कदापि नहीं। श्रीकर श्रीकर, तुम्हारी यह हंसी हमारे कोप पर घृत का काम कर रही है। स्मरण रखो, हमारी कोपाग्नि में तुम और तुम्हारे आचार्य स्वाहा हो जाओगे। मंजुनाथ, तुम मुझसे क्या अपेक्षा करते हो? जाओ और जाकर समझाओ उस हठी ब्राह्मण को, यदि वो फिर भी नहीं माना तो हम गोकर्ण जाएंगे, श्रृंगेरी जाएंगे, कांची जाएंगे। जाओ और जाकर चेतावनी दो उसे हमारी ओर से। यह तो धर्म ततो जया। अप्पा,
ये आपने क्या? अवक्तारम अवदातारम अवक्ता अम्मा नानु होक्तीनी कोगा हाँ खाना नहीं इधर आओ कोगा इधर आओ बैठो कोगा तुम्हारी मौसी नहीं रही नन्नी ने तुम्हारी मौसी के लिए प्रार्थना की देवता से तुलसी और चंदन तुम्हारी मौसी स्वर्ग जाएगी रो मत कोगा रो मत नहीं कोगा रोते नहीं कोगा रो मत आइए श्रीकर भैया विराजिए आचार्य आपा अभी आते ही होंगे मैं आपके लिए कॉफी लाती हूँ फिर कभी आऊंगा अच्छा प्रणाम प्रणाम आचार्य कहो श्रीकर उपाध्याय बहुत प्रतीक्षा तो नहीं करनी पड़ी बैठो बैठो श्रीकर कुछ समस्या जी वो कोई चिंता सता रही है तुम्हें मैं देख रहा हूं कि आचार्य यहां के ब्राह्मणों में खलबली मची है बैठो इतना सा चाहिए यहां के ब्राह्मणों में खलबली मचाने के लिए मैंने जो कुछ किया मृतक की मुक्ति के लिए नहीं किया एक जीवित व्यक्ति के मन की शांति के लिए किया नहीं तो कोगा टूटकर बिखर जाता ये शास्त्रोक्त है या नहीं मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता मेरी अंतरात्मा ने मुझसे कहा कि इस छोटे से कर्म से एक क्षुद्र मानव की आस्था बनी रहेगी सो मैं गया बस किंतु आचार्य ये हमारे शास्त्रों के विरुद्ध है किस शास्त्र की बात कर रहे हो वत्स न ऐसा कोई शास्त्र मैंने स्वयं पढ़ा है और न तुम्हें पढ़ाया है किंतु ये हमारी रूढ़ियों के विरुद्ध है शास्त्रात रूढ़िर बलियसी यही प्रमाण देना चाहते हो ना श्रीकर रूढ़ी और परंपराएं हम तुम स्वयं बनाते हैं किसी काल विशेष में परिस्थिति विशेष का सामना करने के लिए समाज और व्यक्ति में संस्कार जगाने के लिए हम लोग कुछ नियम बनाते हैं वो नियमावली उस युग का यथार्थ होती है शाश्वत सत्य नहीं कालांतर में जब यह अनुशासन बोझिल हो जाता है तो हम तुम उसे काटते हैं उतार फेंकते हैं क्या समय के साथ हमने अपने रहन सहन को नहीं बदला अपनी वेशभूषा को नहीं बदला हमारी शिखाएं कट गईं उतरिए की जगह कमीज और कोट आ गया धोती की जगह पतलून आ गई किंतु इससे हमारा ब्राह्मणत्व तो नहीं गया किंतु आचार्य मुल्की गांव में जो हो रहा है मैंने सोचा वो आपको बता दूं और इसे अपना कर्तव्य समझा यह पहला अवसर नहीं है जब यहां का ब्राह्मण समाज मुझ पर कुपित हुआ है यमुना जब विधवा होकर आई थी
मैंने उसे बाल काटने से रोका था, याद है? हठ और संकीर्णता के कारण हमारे समाज में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। हम जो करते हैं, कहते हैं, उसमें विराट अंतर आ गया है। किंतु सौभाग्य से हमारे बीच कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसी कुप्रथाओं का त्याग कर समय के साथ चलना चाहते हैं। काव्यकंठ गणपति मुनि से तो तुम परिचित हो, क्या तुम इन प्रश्नों पर विचार नहीं करते? करता हूं आचार्य, मैं निरंतर विचार करता हूं और मैं व्यथित होता हूं। आचार्य, कभी कभी मुझे इन प्रश्नों से भय भी लगता है। भय लगता है ना, तो इसे शुभ चिन्ह मानो। प्रश्न का उठना गतिशीलता है, और जो गतिशील है, चलायमान है, वही जीवंत है। यही कारण है कि तुम्हारी ऐसी अस्थिर मनस्थिति होते हुए भी मैं तुमसे निराश नहीं हूं। मैं जानता हूं जब मैं नहीं रहूंगा, मेरी भाषा तुम भूलोगे। आचार्य, आचार्य, ये मेरा दुर्भाग्य है कि इस अग्रहार के ब्राह्मणों ने मुझे आपको अपनी शंका बताने के लिए नियुक्त किया है। मैं उनसे सहमत नहीं था। सहमत होते उपाध्याय तो ये तुम्हारे आचार्य की पराजय होती। श्रीकर जी, इस चातुर्मास में बाहर जा रहे हो? जी नहीं आचार्य, कोई आदेश? पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी बच्चों को पढ़ाने आ जाना, नित्य कर्म अग्नि कर्म कराना। जैसे आपके आगे आचार्य, मैं अवश्य आऊंगा। प्रणाम। आयुष्मान। आचार्य जी आ रहे हैं, चलो पाठ पढ़ो। पढ़ो। यमुना, चलता हूं। बच्चों की ठीक तरह से देखभाल करना, उन्हें नदी में नहाने नहीं देना। नियम से अपना पाठ कंठस्थ करते रहें, मैंने उपाध्याय को समझा दिया है। नन्ही जी, अपनी अक्का का ध्यान रखना। अकेली लड़की है घर में, इसका उत्तरदायित्व तुम्हारा है नारायण भट्ट। गोकर्ण से लौटते समय रास्ते में कुड़ुमल्लिगे जाऊंगा, तुम्हारे अम्मा अप्पा से भेंट होगी, कुछ कहलवाना है?
नन्नी नन्नी चल चल मैं तुझे एक चीज दिखाता हूं। कहां जा रहे हो? चल कहां जा रहे हो? कहां ले जा रहे हो मुझे? शास्त्री ये जंगल तो बहुत सुंदर है। हाँ बहुत सुंदर है। यहाँ एक खंडर भी है ना? हाँ जब हम दोनों साथ में आएंगे तब खंडर भी दिखाएंगे। ये क्या है? ये तो नाग मूर्ति है। इसे छू सकते हो? नहीं मैंने अभी तक नहाया नहीं है। तो उससे क्या होता है? तुम छू सकते हो? हम दिखाएं? हाँ देखो कुछ नहीं हुआ। अब तुम्हें पाप लगेगा। कुछ नहीं होता। तुम्हें सच्ची पाप लगेगा। कुछ नहीं होता। तुम छू सकते हो? नहीं। चलो छुओ। नहीं मैं नहीं छूंगा, मैं नहीं छूंगा, मुझे छोड़ दो। मैं कैसे कहूंगा मुझे पाप लगेगा। रो नहीं। देखो ये गरुड़ है, ये जिसके हाथ में होता है उसे कोई सांप नहीं काटता, समझे? मेरी बात जो कहूंगा करोगे तो मेरा ये गरुड़ तुमको हर सांप से बचाएगा। और ये बात किसी से कहना नहीं, अक्का से भी नहीं, ठीक है? यमुना तुम? नमस्कार शिखर भैया। क्या बात है? बच्चे कहाँ गए? फूल लाने गए हैं। और अध्ययन का क्या होगा? समय का मूल्य हम लोग नहीं जानते, यही हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता है। और ये मैंने अंग्रेजों से सीखा है कि हर काम समय पर करो, अनुशासन से करो। तनिक धीरज रखो भैया, आज उन्हें संविदा भी लानी थी, बस आते ही होंगे। और तब तक मैं क्या करूं, बैठा रहूं चुपचाप? अपनी छोटी बहन से दो बातें कीजिए, इधर बहुत दिन हुए आप मिले ही नहीं, बस आते हैं अप्पा से बातें करते हैं और बाहर ही बाहर से चले जाते हैं। हाँ यम्मू बहुत दिन हो गए किंतु कुछ भी तो नहीं बदला, सब कुछ वैसे का वैसा है ना? अच्छा तब तक तुम एक गरम गरम कॉफी लाओ। तुमने बिना स्नान किए जो उस नाग मूर्ति को छुआ है, ये उसी की शुद्धि हो रही है। चलो नन्नी अब अपने शास्त्री गुरुजी के चरण छू लो, छुओ। अब तुम मेरी हर आज्ञा का पालन करोगे, तुमसे जो कुछ कहा जाएगा वो तुम करोगे, तभी जाकर मेरा गरुड़ तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं तुम्हें अभय देता हूँ, श्री गरुड़ाय नमः। ये तुम्हारी दूसरी शुद्धि है। चलो। नहीं, गुरुजी ने नदी में नहाने के लिए मना किया है। बुद्धू ये नदी नहीं नाला है। तुम भी नदी में फेंको, भागते कहाँ हो? वाह मेरी पसंद के पोहे, अभी तक याद है तुम्हें? एक नियमू, मैंने अभी तक पूजा नहीं की। पूजा नहीं की ना? और पाठ पढ़ाने आए हैं? यही अनुशासन आपने अंग्रेजों से सीखा है? तुम अभी तक बिल्कुल नहीं बदली, वही हंसी वही वाचालता। यमू बस ऐसे ही हंसती रहना, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। कल्याणमस्तु। कहां रह गए थे तुम लोग? मैं विलंब कर दिया? अध्ययन नहीं करना था? आज तुम्हारी अक्का के कहने पर छोड़ देता हूं, किंतु कल से हर कार्य नियम से होना चाहिए, समय पर होना चाहिए। मैं आचार्य के गुरुकुल की मर्यादा किसी भी मूल्य पर भंग नहीं होने दूंगा, समझे? जाओ अध्ययन करो। अच्छा यमु आज विलंब हुआ है, मुझे
अंग्रेज के बंगले पर भी जाना है। बर्तन है सर, एवरीथिंग इन संस्कृत, नॉट थन 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 पूजा, नो लिटरेचर, लिटरेचर लिटरेचर बिग हेवी, महाभारत रामायण। रियली? हाँ, यू हर्ड कालिदासा? कालिदासा पोएट रोट दैट क्लाउड मैसेंजर, क्लाउड मैसेंजर, यस हर्ड ना? यस यस। हम तुमको यहाँ लेकर क्यों आए हैं? ये एक गोपनीय रहस्य है, प्रश्न मत करो। बता सकते हो इस महावृक्ष के अंतर में क्या है? नहीं। यहाँ पे भटकती हुई आत्माएं वास करती हैं, भूत वैताल प्रेत महाप्रेत। बता सकते हो उस खोल में क्या है? नहीं। छू के देखो, भय मत करो वत्स, हम दिखाते हैं। तुमको अपना गुरु मंत्र याद है? हाँ। गुरु शिष्य के बीच जो चल रहा है वो किसी को नहीं बताओगे, अक्का को भी नहीं। हाँ। जय गरुड़।
बेड़ा मुड़ बेड़ा बेड़ा। कोगा तुम मुझे देख के पीछे पीछे क्यों भाग जाते हो? तुम्हारे समझ में नहीं आना ब्राह्मण, आगे आगे आना, कोगा पीछे जाना। कोगा तुम बड़ी विचित्र हो, चलते चलते नाचते हो, नाचते नाचते चलते हो। कोगा तुमको अच्छा नहीं लगना? नहीं, मुझे कोगा बहुत पसंद है। तुम्हें नन्नी पसंद है? बहुत अच्छा अच्छा लगता। फिर तुम मुझे देख के पीछे पीछे क्यों चले जाते हो? कोगा का छूने से जात जाता। किसकी जात? तुम्हारा। क्यों? हम शूद्र, हमारे से दूसरा छोटा जात नहीं। अगर मैं तुम्हें छू लूं तो? मेरे को कुछ नहीं होना, तुम्हारा जात जाना। नहीं, मैं तुम्हें छूंगा, मैं छूंगा। नहीं नहीं छूना कोगा, मैं तुम्हें छूंगा। रुक जा मुड़ बड़ा। रुक जा कोगा, कोगा रुक, रुक जा कोगा, कोगा कोगा उठा नहीं जाता, बंदा देंगे, मैं तुम्हें छूंगा, उतर उतर। कोगा नहीं जाता, कोगा मेरे को हवा छू सकता, आग छू सकता, सूरज छू सकता, ब्राह्मण नहीं छू सकता। तू मेरे को छू नहीं सकता। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं अमुना। पहचाना? चोर नहीं, कोई और ही था। लगता है यमुना अक्का के पास आता है। कुछ ना कुछ तो करना होगा जिससे इस राण को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। फिर जो चाहोगे वो मिलेगा, पैसा, खाना। कुछ करो गणेश, कुछ युक्ति सोचो। ठीक है, एक काम करो। ठहर, अरे ठहर, भागता कहाँ है? नहीं नहीं नहीं, चल नहीं जल्दी नहीं, अरे चल, डर लगता है, डरता है, चल। डरपोक कहीं का। सुनो वत्स, जब आत्मा भटकती है तो प्रेत कहलाती है। प्रेत? जिस जीव की जीवन में कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती और वो उस इच्छा के लिए जीवन भर छटपटाता रहता है, वो मरकर महाप्रेत बन जाता है। वो किसी का भी रूप धारण कर सकता है। होगी महाप्रेत, सुंदर रकेली स्त्रियों को सताता है। अक्का! ये तुम्हारी धोती को क्या हुआ? ये क्या शोर मचा रखा है? हा? इस बेचारे की धोती लगता है किसी ने खोल दी, अवश्य महाप्रेत का काम है। ए, इधर आओ, बैठो। रुको, जाते हो तो जाओ, क्योंकि अक्का के पास किसी ना किसी को तो होना ही चाहिए। आंख और कान खुले रखकर। और सुनो, महाप्रेत आए तो हमें बता देना। वो किसी का भी मुखौटा पहन सकता है। और पैरों पर अवश्य ध्यान रखना। अब जाओ, मेरा गरुड़ तुम्हारी रक्षा करेगा, और बताना जरूर। यमुना, यमू, द्वार खोलो यमुना। यमुना, मैं हूं। कौन अक्का? महाप्रेत? तू सो जा,
डरना नहीं हाँ, मैं बाहर से ही उसे भगा के आती हूँ। चल सो जा। जा रे महाप्रेता, मेरे नन्नी को मत डरा। नन्नी अब मेरे साथ सोता है, समझते क्यों नहीं? अक्का ये लो झाड़ू। जा, जाने तो झाड़ू मारूंगी। जाना महाप्रेता, जा जा। किसी को बताना नहीं। नहीं बताऊंगा। किसी को नहीं बताऊंगा, शास्त्री को भी नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब तो सो जा। जा। शुक्लाम वरम धरम विष्णु। शुक्लाम वरम धरम विष्णु। शशिवरणम। शशिवरणम। चतुर्भुजम। चतुर्भुजम। समझे? चतुर्भुजम। चतुर्भुजम। क्यों रे, कल रात कोई आया था अक्का के कमरे में? मुझे मालूम नहीं। मुखौटा पहन के? मुझे मालूम नहीं। झूठ बोलता है। झूठ बोलता है? मैं कल रात सो गया था। अच्छा पढ़ो, आगे से नहीं सोना। समझे? शुक्लाम वरम धरम विष्णु। शुक्लाम वरम धरम विष्णु। शशिवरणम। नन्नी अपनी पोथी लेके ऊपर आ। आया अक्का। अम्मा, बोंडा। अम्मा। जीवे मशरदशतम। जीवे मशरदशतम। यमुना, अरे ओ यमुना, कहाँ है रितु? दो दिन से दिखी नहीं। हेलो। हाँ? मैं आई हूँ। क्यों, बीमार है क्या यमुना? लगता है आज भोजन नहीं मिलेगा। लो आ गई। क्यों रे, खाना खाया? यमुना ने तुमको खाना नहीं दिया? अच्छा हुआ, तुम्हारी मस्ती ऐसे ही निकलेगी। भूखो मरो। अम्मा। कौन रे? भूखो मरो। शिव 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 शिव। कोगा, अरे कोगा, यमुना ने खाना नहीं बनाया, ऐसा क्यों? नहीं मालूम। क्यों, बीमार है क्या? नहीं पूछने काम को। अच्छा, मैं तुझको खाना देती हूँ, चल आजा। देख, तब तक ये लकड़ी काटना, छोटी छोटी काटना, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे ओ कोगा, सारी लकड़ी काटी कि नहीं? ले खाना। शिव शिव शिव।
अपनी जूठन ब्राह्मण की गाय को खिलाता है। मैं शाप दूंगी तो भस्म हो जाएगा। ऊपर से हंसता है, दांत दिखाता है, मैं तेरे दांत तोड़ दूंगी। अम्मा, तेरा खाना गाय भी नहीं खाता। तिन्नल्ला। राक्षसा। चांडाला। शूद्रा। शूद्र मुंडे गंडा। ईरु, उन्ने मारतनी। अग्नि मिले पुरोहितम् यज्ञस्य देव ब्रह्मजम् होतारम् रत्नधातमम् स्वाहा स्वाहा अग्नियेदम् नमम् अग्नियेदम् नमम् अग्नियेदम् नमम् अग्नियेदम् नमम् स्वाहा यमुना यमू अरे सुनो तो यमुना कल रात भी द्वार नहीं खोला तुमने क्या हुआ बोलते क्यों नहीं क्या बोलूं यदि इस पाप के बीज ने बढ़ना आरंभ कर दिया तो नहीं नहीं दुखी मत हो सब ठीक होगा यमुना ठीक होगा क्या ठीक होगा मैं कहां जाऊंगी मेरे अप्पा क्या करेंगे बोलो तुम्हारी बात मैं नहीं जानती लेकिन जो भी हुआ है उसके लिए मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर सकती ऐसा करो ना यमुना कल बड़े मंदिर में जाकर प्रश्न करो वहां से कोई निराश नहीं लौटता अरे क्यों रे नन्नी मैं देती हूँ कहाँ है तुम्हारी अक्का उसे मलेरिया हो गया है मलेरिया ठंडी लगती है ताप आता है नहीं पेट दुखता है और उल्टी होती है तो दवाई नहीं दी नहीं उसने मुझसे इमली और अचार मांगा मैंने दे दिया अच्छा अब मैं चलता हूँ Thank you.
यमुना, तुमने मंदिर में कुछ मांगा नहीं, कुछ कहा नहीं। क्या कहती? सारे समाज के सामने अपने पाप की घोषणा करती, कलंकी नहीं होती, अपने पिता के मुख पे कालिक पोत देती, सारे समाज के कोप का भाजन बन जाती। किंतु फिर भी कुछ तो नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। जो संबंध पाप की नींव पर खड़ा है, उसका भविष्य क्या होगा, मैं कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं ही कोई उपाय करता हूँ। अरे कहाँ है रे यमुना, बहुत दिनों से दिखी नहीं तू। हाँ चलो, ये अंग का पाव हटाओ। कर्मा कर्मा कर्मा, शिव शिवा शिव शिवा शिव शिवा। देखा गणेश, ये आज सामने के द्वार से घर में प्रवेश कर रही है। आचार्य जी होते तो ऐसी उद्दंडता कभी नहीं होती। नंदाम नंदाम शरद शतम नंदाम शरद। अक्का क्या हो गया? दवाई लाऊं? ये क्या अनर्थ हो गया? देवरे गति कलिकाल महापाप। ओम नमः शिवाय। शिव शिवा शिव शिवा शिव शिवा शिव शिवा शिव शिवा। अरे मास्टर, मैं तो समझी थी तू बहुत सज्जन आदमी है, मगर नहीं, तूने भी धोखा किया। उधर उड़प पंडित गया, इधर तूने भी आना बंद किया। यमुना बहुत बीमार है, मालूम है? बार बार उल्टी करती है, दरवाजा बंद करके बैठी है, देखने नहीं आ सकते। शिवशिवा शिवशिवा ये नप्पा काला बंतु राम कृष्ण गोविंदा राम कृष्ण गोविंदा। ओम त्र्यंबकम हे सुगंधन। शिवशिवा शिवशिवा शिव। हाँ कलिकाल कलिकाल। क्या हुआ बुआ? अनर्थ, घोर अनर्थ। अब क्या अनर्थ हुआ? उड़ुप पंडित की विधवा बेटी यमुना पेट से है। तुम लोगों से कुछ ना हो सके तो डूब मरो चुल्लू भर पानी में। शिव शिवा शिव शिवा शिव शिवा। न भूमि न चाप। शिखर उपाध्याय न वायु। अरे मंजुनाथ भाई आओ आओ, बहुत दिनों के बाद आए हो, आओ अंदर आओ। ये स्वागत और शिष्टाचार का समय नहीं है श्रीकर। तो मुझे पाखंड से घृणा है। यदि मैं कहूं कि अचानक मुझे पुराने मित्र की याद सताने लगी और मैं उससे मिलने चला आया, तो ये होगा शुद्ध पाखंड। तो क्या किसी विशेष प्रयोजन से आए हो मित्र? आश्चर्य की बात है, विदेशियों को ज्ञान बांटने वाला स्वयं अज्ञान में डूबा है। मंजुनाथ भाई, बात स्पष्ट क्यों नहीं कहते, क्या कहना चाहते हो? गुरुकुल के उपाचार्य को नहीं पता कि उसके गुरुकुल में अनाचार पल रहा है? क्या कह रहे हो मंजुनाथ? नहीं, मैं ये नहीं मान सकता। ये लांछन लगाने से पूर्व तुमने कुछ सोच लिया होता मंजुनाथ? मंजुनाथ को पाखंड से घृणा है शेखर। जिस यथार्थ को सारा समाज जान चुका है उससे अनभिज्ञ रहने का पाखंड मत करो। मैं पाखंड नहीं कर रहा हूं मंजुनाथ। तो स्वयं आंख कान खोलकर आने वाले समय की आहट को पहचानो शिखर उपाध्याय। नगेंद्र हाराय त्रिलोचनाय। क्या बोल रहे हो तुम?
पिछले साल तुमने ये मंत्र पढ़ा था, सीखा था। बोलो मेरे साथ, नागेंद्र हाराय, नागेंद्र हाराय, त्रिलोचनाय, त्रिलोचनाय, नागेंद्र हाराय, नागेंद्र हाराय, नागेंद्र हाराय, नागेंद्र हाराय। नहीं चाहिए कॉफी? त्रिलोचनाय, त्रिलोचनाय, ले जाओ इसे। भस्मांग रागाय, भस्मांग रागाय, महेश्वराय, महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय, नित्याय शुद्धाय, दिगंबराय, दिगंबराय, तस्मै नकाराय, तस्मै नकाराय, तस्मै नकाराय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नागेंद्र हाराय, नागेंद्र हाराय। बस आज आज इतना ही, इसे को कंटेस्ट करो। क्या है तुम्हारी दुविधा भट्ट? हम जानते हैं उड़ पंडित तुम्हारे संबंधी हैं, उन्होंने तुम्हारे बेटे गणेश की शिक्षा दीक्षा और पालन पोषण का भार वहन किया, ये उचित है, शोभनीय है, किंतु क्या तुम इन उपकारों के तले दबकर अपने बेटे गणेश का जीवन नष्ट करोगे? सुनो भट्ट, सुनो, जिस गुरुकुल में अनाचार और व्यभिचार पल रहा हो वहां का ब्रह्मचारी भले कुछ बन जाए, सदाचारी नहीं बन सकता। भूलो मत धर्मो रक्षति रक्षता। चलो। वेदं गं गणपतये नमः, ॐ 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 गं गणपतये नमः, अनुजाहं गणपतये नमः, ॐ गं गणपतये नमः, विद्याहं गणेश भट्ट गणपतये नमः। प्रणाम। प्रणाम आचार्य। कल्याण मस्तु। अपना आसन, अपने वस्त्र उठा लो। जी। तुम्हारे पिता तुम्हें लेने आए हैं। सुना नहीं तुमने? चल। बहुत हो गई पढ़ाई, चलो चलो। वाह, क्या गुरुकुल है। क्यों रे शेखर उपाध्याय? क्यों बुआ? उड़प पंडित के यहाँ नहीं गया अभी तक? नहीं बुआ, अभी जाऊंगा। तो बुआ की बात मानो। क्या बुआ? आज अग्निकर्म में चंदन अघोर कुछ अधिक डालना। क्यों बुआ? तुम्हारे गुरुकुल में बहुत दुर्गंध फैल गई है बुआ। हाँ? गोदावरी बुआ को आंखें मत दिखा भतीजे, कुछ ही महीनों में तुम मामा बनने वाले हो बुआ। आश्चर्य है, जो बात हरेक के होंठ पर है उसे मैं ही अनभिज्ञ हूं। यमुना? नहीं, यमुना ऐसा नहीं कर सकती, मेरा मन नहीं मानता, विश्वास नहीं होता। और फिर इस बात का क्या प्रमाण है लोगों के पास? क्या प्रमाण है तुम्हारे पास और तुम्हारे ब्राह्मण समाज के पास? यक्षम किम प्रमाणम? तुम्हारी गुरु पुत्री के गर्भ में पलने वाला अंकुर तब तक छिपाएगी पेट को, इसके बाद भी तुम्हें प्रमाण चाहिए।
ये जानना चाहता हूं कि तुम कब तक उस व्यभिचार और अनाचार के केंद्र से जुड़े रहोगे, कब तक? सुनो पंडित, तुम्हारा गुरुकुल भंग हो रहा है। गणेश को उसका पिता ले गया है, अन्य छात्रों के भी हटाए जाने के प्रबंध हो रहे हैं। इसके पश्चात तुम्हारी यह दुविधा मेरी समझ में नहीं आती। अनिश्चय, 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 यही अनिश्चय है तुम्हारी नियति, यही है तुम्हारा अभिशाप। जागो श्रीकर, जागो। तुम अभी तक बिल्कुल नहीं बदली, वही हंसी, वही वाचालता। यम्मू, बस ऐसे ही हंसती रहना। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, कल्याणमस्तु। गणेश कहाँ है? चुप क्यों हो? गणेश कहाँ है? उसके अप्पा उसे ले गए। ये तो होना ही था। लगता है तुम लोगों के भाग्य में इतनी ही शिक्षा है इस गुरुकुल में। मेरी ओर से भी तुम लोगों को छुट्टी। मैं अपनी आंखों के सामने इस गुरुकुल का विनाश होते नहीं देख सकता। कल से मैं नहीं आऊंगा। यही वो घर है और शास्त्री अंदर है। अच्छा, शास्त्री कहाँ है? क्यों? जमींदार ने बुलाया है। क्या काम है? मुझे क्या मालूम। शास्त्री, शास्त्री आओ। नन्नी तू भी आना। नहीं नहीं, मैं अक्का को जोड़ के नहीं आऊंगा। तेरे पिता को भी बुलाओ, भेजा है। नहीं मैं नहीं आऊंगा। नहीं आता है तो जा मर। उदास क्यों हो? मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा अक्का। यमुना, यमू, सुनो मैं हूं, द्वार खोलो। ठीक है, कल खंडहर में मिलना, मैंने प्रबंध कर लिया है, सब ठीक हो जाएगा।
अक्का से नाराज हो? नहीं, तुम नन्नी से नाराज हो? नहीं, कुछ सुनोगे? हाँ। सुना? हाँ। क्या? पुक 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 और सुनोगे? तुम्हें अच्छा लगता है? हाँ, तुम्हें अच्छा लगता है? हाँ। ए नन्नी, शास्त्री तुझे बुला रहा है। मैं अक्का से पूछे बिना नहीं आऊंगा। चल हम तुझे खेल दिखाएंगे। नहीं शास्त्री। अरे शास्त्री, क्या ये नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा? चल चल मेरे साथ। अक्का घर में नहीं है। मैं तुझे दिखाता हूँ अक्का कहाँ है। चल। जय गरुड़। आता हूँ। चल। अरे दरवाजा तो बंद करने दो। अरे चलो बंद है। चल। कल परसों तुम्हारे अप्पा लौटने वाले हैं, उससे पहले ही हमें। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम लोग नहीं, मैं पहले तुम बाद में। अकेले अनजान जगह? पास ही शूद्रों की बस्ती में जाना है। क्या? प्रभु बड़ा गुणी आदमी है, देखते देखते पाप काट देगा तुम्हारा। तुम्हारा? देखो ये समय तर्क का नहीं है। अरे चल तो सही, संभल के। डरो मत। हमारे सामने बस यही एक उपाय है। भ्रूण हत्या? यही उपाय ढूंढा है? छी, नहीं जानती थी कि इतने कायर निकलोगे। मैं तुझे दिखाता हूं तेरी अक्का कहां है। मैं तुझे वहां प्रेत का खेल दिखाऊंगा। चुपचाप, बिल्कुल चुपचाप। मैंने सोचा मुझे यहां से कहीं दूर ले जाओ। अरे ये तो अक्का है। चुपचाप सब देखते जाओ। वो भी करूंगा। ये महाप्रेत है, इसने तो स्कूल के मास्टर का मुखौटा पहना है। चुप। लेकिन पहले इससे तुम मुक्ति। बस बस। अरे नाग। अरे ये पानी का सांप है, कुछ नहीं करेगा। अब मैं ही कोई उपाय ढूंढ लूंगी। दोस्त तो मेरा है जो तुम्हारी बातों में। ये तो अक्का की तरफ जा रहा है। देखो। शास्त्री चले। सुनो हुँ? हम अभी आते हैं, तुम यहीं पे ठहरना और हिलना मत, वरना सांप तुमको भी काट लेगा। जय गरुड़। इसने तो मंदिर को अशुद्ध कर दिया। इस रांड की वजह से भगवान का शोच हुआ है, इसीलिए सांप यहाँ पर आया है। अगर भगवान ने इसे भेजा है तो उसे जरूर दंड देगा। यही उसका फल है। चलो रघुपा को ले आते हैं। चलो आराम मजा आएगा। आज रात पर के यहाँ मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। देर मत करना। उसके घर चलते हैं। Yeah!
अक्का 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 कोका नन्नी तुमने अक्का को देखा क्या क्या हुआ कोका अक्का घर में नहीं है किधर गया सुबह वो खंडर में गई थी और शाम को मुझे घर में छोड़ के चले गए घर में नहीं नहीं मुझे डर लगता है मेरे को छोड़ने कोका वो देखो अक्का मुझे नहीं अक्का यमुना माँ अक्का नाक की बांधी है काट लेगा छोड़ अक्का नहीं नहीं अक्का यमुना माँ मेरे के साथ घर वापस चलना अवर ये ना मार कोई कुछ नहीं करेगा भगवान नहीं प्रेत नहीं ब्राह्मण का मैं नहीं कह सकता नहीं अक्का अम्मा अम्मा रोना नहीं चलो अम्मा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा कोगा उसको छोड़ना नहीं चलो अम्मा घर चलो चलो अम्मा मैं तुम्हारे साथ नानु इद्दे ने अम्मा यमुनम्मा बने बने मेल 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 अम्मा कुछ कहना कुछ कहना नहीं तो मैं गुरुवर को क्या जवाब देगा हाँ डरना नहीं मैं आता हाँ कोई खटखट करेगा जाना नहीं दरवाजा खोलना नहीं उधर से मैं आता रात को चक्कर मारता अम्मा हाँ यह दर बेड़ी अक्का कहाँ जा रही हो नन्नी तुम चाहते हो कि मैं जीऊं हाँ तो फिर चलो मेरे साथ अम्मा नन्ने अम्मा अम्मा नन्ने ये लो हद्रो
तुम उधर बैठो, तुम चलो मेरे साथ। बैठो अक्का। तुम चलो अक्का। यमुना इतनी देर कर दी तुमने। तुम बैठो। चल लेट जा इधर। कोई अंदर नहीं आने का। दवाई पी ले। क्या होगा? पहला सोचना था। बहुत मुश्किल काम है मास्टर, कुछ भी होने को सकता है, समझे? लेकिन जब तू इधर, चलो उधर बैठ, चलो उधर बैठ, बैठ जा, जा। अक्का अंदर है। प्रभु प्रभु अमा अमा किधर है? अमा अंदर है। क्या करते है? अंदर क्या करेगा, ब्राह्मण लोग पाप धोने के लिए यहीं आता। जा मास्टर तेरे को छोड़ेगा नहीं। ननी चल। नहीं मैं अक्का को छोड़ के नहीं आऊंगा। मास्टर मास्टर मुर्गा मुर्गा मास्टर ग्राम छोड़ के चला गया। बस दे दे। बहुत दारू हो गया पंडित। ये दारू नहीं है, सोमरस है, अमृत अमृत है। शाप देगा तो भस्म हो जाएगा। शिव शिवा शिव शिवा। अरे इतना छोटा ब्रह्मचारी या अभी से शिव जीवा शिव जीवा। गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं
पूजा ते विधोप भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यत् यत् कर्म करोमि तत् तदखिलम् शंभो तवाराधनम्। केवट ये पहुंचा देना। अक्का, अक्का क्या हो गया अक्का? चलो अक्का, अक्का, अक्का संभल के, अक्का, अक्का बैठो। क्या हो गया अक्का? अक्का मुझे डर लगता है, ऐसा चलो ना अक्का। कहा गुरुकुल? वो तो छूट गया। तो फिर मेरे घर चलो, नाव में जाएंगे। मेरी माँ तुम्हें बहुत प्यार करेगी, अच्छे कपड़े देगी, अच्छा खाना देगी, तुम्हें वहाँ बहुत अच्छा लगेगा, चलो ना। नन्नी तुम मुझे याद रखेगा? हाँ अक्का चलो ना तुम। देखा आज ब्राह्मणों ने सभा बुलवाई है, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आखिर ब्राह्मणों की भी तो कोई मर्यादा है। गुरुगढ़ मैं कहूंगा, मैं आम्मा को जंगल से बचाया, नाग से बचाया, ब्राह्मण से नहीं बचा सका। देवता महाप्रेत से कौगा नहीं डरता, लेकिन ब्राह्मण से? कहां है वो अभागन? प्रभु का झोपड़ा में। क्या बोलना मास्टर, कपट किया, छोड़ के उसको मास्टर भाग गया। अब अम्मा को लाने का, मैं जाता, मैं लाता उसको, फिर मेरा जिम्मेदारी जवाबदारी पूरा। नहीं कोगा, अब वो इस घर में नहीं आएगी। गुरु, जब वो विधवा हुई थी उसी समय उसे घर में लाना अनुचित था। वो किधर जाएगी गुरुगढ़? जहां उसका प्रारब्ध। वो आपका बेटी? कौन पुत्री कौन पिता, न तातो न माता न बंधुर न दाता, न पुत्रो न पुत्री न। ये श्लोक कोका को नहीं बोलना, छोटा था तब से सुनता, ये तुम्हारा श्लोक नहीं मांगता, नहीं मांगता तुम्हारा मंत्र, नहीं मांगता तुम्हारा स्वर्ग, नहीं मांगता मोक्ष तुम्हारा। ये ऐसा मंत्र पे कोका थू थू, ब्राह्मण है ब्राह्मण, अपना बेटी को नहीं संभालता, धर्म संभालने को जाता है। वह हमारे ब्राह्मण, ब्राह्मण वो जितेंद्रिया धर्मपरा स्वाध्याय निरता सुचि काम क्रोधौ वशव्यस्य तम देवो ब्राह्मणम विदु। ब्राह्मण ब्राह्मण न तातो न माता थू। आओ आओ मित्र शिखर आओ। मुझे यहां क्यों बुलाया गया है? बताते हैं बंधु बताते हैं, जिस धर्मयुद्ध में तुमने मेरा साथ दिया है अब उसी के निर्णय की घड़ी आन पहुंची है। आज तुम्हारे आचार्य को ब्राह्मण समाज के सामने अपना निर्णय सुनाना होगा। देखो मंजुनाथ,
तुम्हारी आचार्य उड़ुप के साथ जो भी निजी शत्रुता है, किंतु इस सब में तुम उनके व्यक्तिगत दुर्भाग्य को क्यों घसीट रहे हो? समाज का नेता बनने के पश्चात कोई भी व्यक्ति व्यक्ति नहीं रहता, उसकी कोई भी बात व्यक्तिगत नहीं रहती। श्रीकर, तुमने मुझे वचन दिया था मंजुनाथ कि इस सब में तुम यमुना को नहीं घसीटोगे। प्रत्येक दिए गए वचन को निभाना संभव नहीं। तुमने भी तो गुरुकुल को चलाए रखने का वचन दिया था, उसे स्वयं नहीं तोड़ा। वो तुम्हारी चाल थी। किंतु निर्णय तुम्हारा अपना था। प्रणाम आचार्य। क्या बात है उपाध्याय, कहो, निसंकोच कहो। किस मुंह से कहूं आचार्य, मैं आपका गुरुकुल नहीं बचा सका। तुमने जो किया नीति संगत किया, किंतु अब्बा मुझे सब पता है उपाध्याय। यहां के जमींदार साहब और आचार्य मंजुनाथ के व्यंगबाण मुझ तक निरंतर पहुंचते रहे हैं। अब्बा अपा, मुझे यमुना की चिंता है। हर कोई चिंतित है अपने अपने ढंग से। मनसा चिंतितम एकम दैवम अन्यत्र चिंतयेत। अप्पा, सारा ब्राह्मण समाज आपके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारे आचार्य अवश्य अपना निर्णय देंगे। मर्यादा की दुहाई देने वालों को विदित हो जाएगा कि उड़ू पंडित किस धातु का बना हुआ है और उसने समाज की एवं इस समाज की मर्यादा की रक्षा की है। मुझे पता है उनको मुझसे क्या अपेक्षा है। अप्पा, अप्पा मुझे इस सबसे भय लगता है। भय ना करो वत्स, भय का सामना करो, यही मेरा गुरु मंत्र है। तुम्हारी सारी झिझक, सारा अनिश्चय, सारी दुविधा उसी क्षण दूर हो जाएगी जब तुम अपने आचार्य का निर्णय ब्राह्मण समाज तक पहुंचाओगे। हां शेखर, ये दायित्व मैं तुम्हें देता हूं। क्षमा करें आचार्य, उत्तरदायित्व मैं नहीं लूंगा। इसलिए नहीं कि आपकी बात ब्राह्मण सभा तक पहुंचाने का मुझमें साहस नहीं है। साहस है आचार्य, इसलिए मैं आपकी आज्ञा नहीं मानूंगा। मैं अब आपके शब्द आपकी भाषा नहीं बोलूंगा आचार्य, मैं अब किसी की भाषा नहीं बोलूंगा। मैं वही बोलूंगा जो मेरा मन कहेगा। श्रीकर, नहीं आचार्य, अब यह नहीं होगा। बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग किया है हमने, निर्दोष असहाय नारियों की बलि देने वालों को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। नहीं आचार्य, मैं इस सब के विरोध में खड़ा होता हूं। मैं आपकी दी हुई दीक्षा आपको वापस लौटाता हूं। यदि दे सके तो यह आशीर्वाद दीजिए कि जड़ परंपराओं की परिधियों से बाहर निकलकर मैं एक मनुष्य का जीवन जी सकूं। यह मेरी नई दीक्षा होगी। Thank you.
नन्हे 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 बाहर आओ, हो गया तुम्हारा वेद पाठ पूरा। तू नन्नी का अप्पा है? हाँ। वाह रे अप्पा, अब आया है तू। नन्नी यहाँ नहीं, प्रभु के यहाँ है। प्रभु? प्रभु नहीं, यहाँ प्रभु। प्रभु दारू दारू शूद्रों की बस्ती में है, जा जा। कर्म कर्म कर्म, क्या काल आ गया। शिव शिव। आज हम लोग यहां किस लिए एकत्रित हुए हैं, इस बात से आप भली भांति परिचित हैं। नाने! अरे अप्पा! नाने! अक्का, अप्पा आ गए। अक्का, अक्का नाने! चलो ना, अक्का मेरे माँ तुम्हें बहुत प्यार करेगी। नाने! अक्का, अप्पा हम अक्का को भी ले जाएंगे ना? नहीं बिल्कुल नहीं, चलो तुम मेरे साथ। अक्का नहीं, चलो, नहीं अप्पा, चलो, अप्पा, मैं चलो नन्नी, छोड़ के नहीं आऊंगा। नन्नी, अक्का, अक्का चलो ना, अक्का, अक्का चलो ना, अक्का छोड़ दो मुझे, मैं छोड़ के नहीं आऊंगा अक्का को, मेरी माँ से बहुत प्यार करेगी। हम ब्राह्मण समाज में इस तरह के कुकर्म पलने देंगे? यदि नहीं तो क्या हमें इसका प्रतिकार नहीं करना चाहिए? आओ आओ शंकर, आ गए आचार्य, आ रहे हैं ना? ये उन्हीं से पूछो। क्यों? प्रायः उनके निर्णय तुम्हें लेकर आते थे। मंजुनाथ, मैं उनका संदेशवाहक नहीं हूं। तो इसका अर्थ है कि तुम मेरे साथ हो। सुनो शेखर, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुनो शेखर, आचार्य बनते ही मैं तुम्हें उपाचार्य नियुक्त कर दूंगा। आचार्य जी आ गए। प्रणाम। प्रणाम आचार्य। पंडित जी, हम जानते हैं कि आप सब क्या सुनने के लिए आतुर हैं। शास्त्र, परंपरा और नैतिक मान्यताओं का अध्ययन करने के पश्चात हम अपना निर्णय आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रत्येक नरनारी को सूचित कर रहे हैं कि शेषगिरि, उड़ुप की विधवा पुत्री, कलंकिनी और पापिष्ठा है। उसने न केवल किसी अज्ञात कुलशील पुरुष के साथ अनैतिक संबंध स्थापित किया, वरन भ्रूण हत्या का जघन्य अपराध भी किया है। उसके इन कृत्यों के सभी पक्षों पर संपूर्ण विचार करने के पश्चात और आपके साक्ष्य में हम उसे घट श्राद्ध का दंड सुनाते हैं। समीचीनम्। साधु साधु। ठहरिए बंधुवर, इससे पहले कि आप लोग ये निर्णय स्वीकार करें, मैं शिखर उपाध्याय इसके सार्वजनिक विरोध की घोषणा करता हूं। ये धर्म नहीं है, व्यक्तिगत सिद्धांतों की रणनीति में एक असहाय नारी की बलि है। धर्म वो नहीं है जिसकी घोषणा यहां पर बैठकर करोड़ पंडित कर रहे हैं। धर्म है क्षमा, उदारता, सहनशीलता। और आज इस सभा में उड़ पंडित के हाथों उसकी हत्या की जा रही है। आप सब लोग मिलकर इस सभा में एक जीवित नारी का घटसाद नहीं कर रहे,
अबे तो समस्त ब्राह्मण समाज के घटसाप को संपन्न कर रहे हैं। मैं इस सभा का बहिष्कार करता हूं। ऐसे गुरुकुल में नहीं रहना। चलो चलो जल्दी। नन्नी चुपचाप चले आओ, हमें जाना है यहां से, यहां नहीं रहेंगे। कोगा कोगा अक्का का ध्यान रखोगे ना कोगा? चलो नन्नी, रखोगे ना कोगा? उस पापिष्ठा का नाम मत लो। नहीं। चलो इधर। नहीं। कोगा। तो साथ रहकर तू भी भ्रष्ट हो गया है, चलकर तेरी शुद्धि करनी पड़ेगी। नन्नी अक्का का ध्यान रखोगे ना? रखोगे ना? तुमने क्या कह रहा हूँ मैं? चलो अक्का का ध्यान रखना कोगा, अक्का कोगा अक्का का ध्यान रखना। अक्का क्या सोच कर भेजा था? कोगा ध्यान रखोगे ना? चलो तुम्हारी शिक्षा सब समाप्त हो गई यहाँ। शिव शंभो छोड़ दो मुझे अक्का। कोगा कोगा अक्का का ध्यान रखना, कोगा अक्का का ध्यान रखना। श्री विष्णु प्रेरणया श्रीर्थम अस्य कन्यायाः विष्णुलोक प्राप्त्यर्थं श्राद्ध कर्म करिष्ये, देवोच्चार पित्रोच्चारणम अहंकरिष्ये, कामकाल सुद्धिकानां विश्वेशां दीवानां अनिरुद्ध नारायण प्रीत्यर्थम अपसव्यम् आंगिरस बारस्पत्य भारद्वाजी तृतीय प्रांत भारद्वाज गोत्रोत्पन्नस्य अस्य यमुना नाम्न्या कन्यायाः सव्यम् विष्णुलोक प्राप्त्यर्थम् श्राद्ध कर्म करिष्ये। जा, तुझे मुक्ति प्राप्त हो। यो सिधान्य राजोसि वारुणो मद संयुतः निर्णो सर्व पापानां पवित्रम ऋषिभिस्मृतम् अपसव्यम् तिलोसि सोम दैवत्यो गोसवेरेव निर्मितः रत्नवद्भ्य प्रत्न सदया पितृन् त्रीणयायन स्वदा नमः अपसव्यम् आंगीरस बारस्पत्य भारद्वाजीति त्रिप्रवान्त भारद्वाज गोत्रोत्पन्नाय अस्य कन्यायाः यमुना नाम्न्याः भारद्वाज गोत्र वसुरूप वसवान्तर प्रद्युम्न ये चत्वामद्रानो देवे शयम्यं पिण्डं गयायां विष्णुपदे दत्तमस्तो पितामही कल्याणी राम भारद्वाज गोत्र रुद्र रूप रुद्रांग संकर्षण ये चत्वामद्रानो देवे शयम्यं पिण्डं गयायां विष्णुपदे दत्तमस्तो प्रपितामही पार्वती राम भारद्वाज गोत्र आदित्य रूप आदित्यांतर्ग वासुदेव ये चत्वामद्रानो देवे शयम्यं पिण्डं गयायां विष्णुपदे दत्तमस्तो तस्योपरि तिरोदकं स्वधां दत्तं नमः।